इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में, एक 24 इंच का LED TV है देख रहे हैं। इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है, इसमें साउंड जबकि बिल्कुल ओके है देख रहे दोस्तों। इसमें स्क्रीन पे हल्का हल्का टैप कर रहा हूँ तो इसमें बैकलाइट हमें जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसका मदरबोर्ड देख लेते हैं। ये रहा इसका मदरबोर्ड का नंबर, जिसका नंबर है TR85.671। और ये रहा हमारा मदरबोर्ड का बैकलाइट सेक्शन दोस्तों। यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले, हमारा बैकलाइट सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए अगर बैकलाइट सेक्शन सही है तो। चलिए दोस्तों देख रहे हैं, मैं टीवी में पावर दे दिया हूँ और हमारा रेड इंडिकेटर अभी जल चुका है। तो सबसे पहले इसमें हम 12 वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा पावर सप्लाई तैयार करके फिर निकालता है 12 वोल्ट। देखिए दोस्तों इसमें 12 वोल्ट हमारा बन रहा है, यही 12 वोल्ट दोस्तों हमारा बैकलाइट के जैक पर आएगा देख रहे हैं दोस्तों। ये हमारा बैकलाइट का जैक है जो कि जिसका वायर अंदर गया है, यहाँ पे हमें अभी 12 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ भी 12 वोल्ट हमारा प्रेजेंट है। तो चलिए दोस्तों हम टीवी को स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं, फिर यहाँ पे वोल्टेज हमारा बूस्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं इसे यहाँ पर मल्टीमीटर को प्रॉब को फिक्स कर लिया हूँ और हम चलिए टीवी को स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं। तो देखिए दोस्तों बैकलाइट सेक्शन में हमारा वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, इसका मतलब बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 69-68 के करीब वोल्टेज है जो कि हमारा नो लोड पे है, भी हमारा बैकलाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हमको पैनल उतारना पड़ेगा। हम देख रहे हैं पैनल के साइड में लगा हुआ पट्टी आपको मैं हटा रहा हूँ। अब हमको थोड़ा सावधानीपूर्वक काम करना पड़ेगा दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो पैनल क्रैक हो जाएगा देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं पैनल को उठा के किसी सेफ जगह पे इसमें से रख दूंगा। पैनल को निकालने से पहले हमें यह भी ध्यान देना होगा दोस्तों कि हमारा पैनल कहीं चिपका हुआ पैनल तो नहीं है देख रहे दोस्तों। मैं इसमें सारा चीज़ चेक कर चुका हूँ, इसमें से जितना भी टेप लगा हुआ था और LVDS केबल को भी मैं निकाल लिया हूँ और हमारा पैनल अब निकालने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों मैं पैनल को निकालता हूँ अब। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें पैनल को निकाल के फिर मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं इसमें पैनल निकाल दिया हूँ, ये रहा हमारा पैनल। और चलिए मैं इसमें से जितना भी रिफ्रैक्टर पेपर लगा हुआ है सब मैं हटा लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैं बारी बारी से इसमें जितना भी पेपर लगा हुआ है तो सबको मैं हटा लिया हूँ। ये रहा हमारा LED स्ट्रिप, इसमें दो स्ट्रिप लगा है दोस्तों देख रहे हैं, और प्रत्येक स्ट्रिप में 6 LED है देखिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आप आखिर तक बने रहे तभी आपको पूरा जानकारी मिल पाएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना मत भूलिएगा। ये रहा दोस्तों इसमें 2 स्ट्रिप है, 6 LED का 1 स्ट्रिप है दोस्तों, और 3.3 वोल्ट का 1 LED इसमें लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसमें लगा हुआ रिफ्लेक्टर पेपर भी मैं हटा लेता हूँ और फिर मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ इसमें आगे क्या करना होगा आपको। इसमें आराम से निकाल लेना है आपको जितने भी सारे पेपर हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा LED स्ट्रिप देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों मार्केट में आपको इस तरह का LED स्ट्रिप आसानी से मिल जाएगा। आप पुराना वाला स्ट्रिप लेके जाएंगे तो आपको नया इसी नंबर का स्ट्रिप दे देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये रहा दोस्तों हमारा नया स्ट्रिप मैं लेके आ गया हूँ देख रहे हैं आप लोग। ये हमारा बिल्कुल नया स्ट्रिप है और ये हमारा पुराना स्ट्रिप है। चलिए दोस्तों अब मैं नया स्ट्रिप इसमें इंस्टॉल करूँगा, फिर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें जहाँ पे जो वायर लगा है मैं वहीं पे उस वायर को सोल्ड कर दूँगा। माइनस प्लस देख लेना है आपको, इसमें स्ट्रिप में लिखा हुआ होता है इसमें प्लस और माइनस। तो ये रहा दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, मैं इसमें वायर सोल्ड कर चुका हूँ दोनों में, जहाँ पर प्लस है प्लस और माइनस में माइनस। आगे हम इसमें अब चेक करेंगे दोस्तों हमारा LED जल रहा है कि नहीं, देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से मैं इसमें लगा चुका हूँ। इसमें नट भी हमारा बिल्कुल फिट आ गया है,
क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्ट्रिप हमको जहाँ से मैं लिया हूँ वहाँ से नया बिल्कुल ओरिजिनल स्ट्रिप दिया है सेम नंबर का। चलिए दोस्तों मैं पावर ऑन करता हूँ, देख रहे हैं आप लोग हमारा रेड इंडिकेटर जल चुका है और सेट को मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चेक करने का बारी आ गया। देखिए दोस्तों हमारा स्ट्रिप अभी जल चुका है, देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हमारा स्ट्रिप अभी जल चुका है। आइए इसमें हम अब वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 39.3 वोल्टेज हमारा आ रहा है जो कि ओके है हमारा। तो आगे दोस्तों जैसे जैसे पेपर इसमें मैं उतारा था वैसे ऐसे मैं पेपर लगा दिया हूँ, देख रहे हैं जो कि हमारा रिफ्लेक्टर पेपर है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें जितना भी रिफ्लेक्टर पेपर था सारा पेपर में डाल के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा दोस्तों इसमें ऊपर वाला भी पेपर में लगा दिया हूँ, देख रहे हैं आप लोग। इसमें अब हमारा पैनल लगाना सिर्फ बाकी रह गया है, तो पैनल हमको फिर से लगाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे पैनल में उतारा था ये रहा हमारा पैनल। पैनल लगाते वक्त हमको फिर से सावधानीपूर्वक पैनल लगाना पड़ेगा दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों मैं इसमें पैनल लगा चुका हूँ। इसमें चारों कॉर्नर आपको अच्छी तरह देख लेना है दोस्तों, चारों कॉर्नर हमारा बिल्कुल सेट होना चाहिए। अगर कोई सा भी कॉर्नर हमारा इस किसी के ऊपर आ गया तो हमारा पैनल क्रैक हो जाएगा दोस्तों, जैसे इसमें हम बॉडी टाइट करेंगे। ये रहा हमारा टिकॉन बोर्ड, इसमें हम दोस्तों हम चलिए दोस्तों इसमें LVDS केबल लगा के फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि हमारा काम बना कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं टीवी में पावर ऑन करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने पावर स्विच ऑन कर दिया हूँ और हमारा रेड इंडिकेटर अभी जल चुका है। चलिए सेट को स्टेट बाय से रिलीज़ करते हैं। ये रहा दोस्तों देखिए हमारा टीवी काम करना शुरू कर चुका है, हमारा पैनल और बैकलाइट दोनों काम करना शुरू कर चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं टीवी को पैक कर लेता हूँ अच्छे तरीक़ा से, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं टीवी को पैक कर चुका हूँ, इसमें जितना भी मैंने स्क्रू खोला था सारा स्क्रू मैं टाइट कर दिया हूँ और हम आखिरी में इसमें वीडियो चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना मत भूलना दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसमें पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा सेट अभी स्टैंड बाय मोड पे है और मैं सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा पिक्चर अभी काफ़ी अच्छे तरीके से बनना शुरू हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।